खबर बहराइच से है, जहां थाना कैसरगंज क्षेत्र के एनी गांव में देर रात दबंगों ने घर में घुसकर दो भाइयों को गोली मार दी, जिसके बाद गांव में हड़कंप मच गया। घायलों को परिजनों द्वारा इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जाता है कि रात को 2 बजे गांव के कुछ लोगों ने घर में घुसकर हमला किया था। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। मामला क्या, ये जो आदमी सामने दिखे, मेरे को पप्पू दिखे, मुंशी दिखे, धुम्मन दिखे और एक वो थे आकिब, आकिब तो पकड़े गए मौके पर। पुलिस, क्या हुआ है यहाँ पर? मेरे लड़के के ऊपर गोली चली है, इससे ये इसी साइड में गोली पड़ी है उसको, यहाँ पर एक लड़के के, दूसरे लड़के के यहाँ पर लगी है। दोनों लड़के हमारे हॉस्पिटल में हैं। 2:10 हुआ था जब धमाके की आवाज़ हुई, मैं छत के ऊपर सो रहा था और मैं वहाँ से, मेरी वाइफ भी सो रही थी, जब हम वहाँ से भागे तो नीचे हमारी बेटी रो रही थी और हमारा लड़का, दोनों बेटे हमारे तीनों, और वो रो रहे थे। हम पुलिस को फ़ोन लगाया, 100 नंबर पर 112 पर फ़ोन लगाया, कोई गाड़ी यहाँ नहीं आई। गाड़ी आई कम से कम 30-40 मिनट के बाद आई। उसके बाद हम लड़के को लिया और खून बहता हुआ हम लेके पुलिस स्टेशन पहुँचे। वहाँ से हमको भेज दिया गया तुरंत अस्पताल और कोतवाल साहब खुद गए मेरे साथ। ठीक, कहाँ से आएगा? ये गेट खोल के आए थे, यहीं से होगा सर। ये दूसरा आदमी है, गेट कैसे खोल लेगा वो? वो गेट तो बंद होगा ना, अंदर से बंद। जब अंदर से बंद है तो कैसे गेट खोल लेगा वो? यहीं से है सर। नहीं, जैसे ये हम लोगों से बताए हैं, दो आदमी इस पर क्यों चढ़े थे और दो आदमी बाहर, ये बता रहे हैं कि अंदर थे। तो ये खिड़की पूरी ऐसे खुली पड़ी हुई थी सर, ये पूरी खुली, तो खुली होगी तो यही उतर के घर जा सकते हैं। चलिए।